नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी मलिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर हमें वो खड़े हैं और मैं आपको तस्वीरों में कुछ गोहाना के स्थानीय निवासी हैं वो दिखा रहा हूं। किसान हैं ये और इनकी क्या मांगे हैं इनसे ही जानते हैं। आखिरकार आज सोनीपत लघु सचिवालय के सामने ये क्यों आए हैं? सर, क्या नाम आपका? हरिप्रकाश। हरिप्रकाश जी, क्यों आज सोनीपत के लघु सचिवालय के सामने आप डीसी साहब से मिले हैं? मारा पानी नहीं रोड के नीचे सही आ रहा, इसलिए आ रहे मिलने। पड़ भी बनना चाहिए। गोहाना सोनीपत रोड का निर्माण चल रहा है, फोर लाइन का बन रहा है। इसमें मतीन गामा का पानी सप्लाई हुआ है। माइनर, छोटी माइनर है, वो माइनर की पुलिया बिल्कुल छोटी बना दी, नीची बनाई, छोटी बना दी, उसमें पानी सप्लाई नहीं होगा। तीन गामा परेशान है, खेड़ी दमकन दमकन सिकंदरपुर माजरा और बड़ोता का भारी परेशानी है। गोहाना एरीगेशन एरीगेशन महकमा से मिल लिया एक्शन साहब से, कोई वहाँ हमारा समाधान नहीं हुआ। और दूसरा हमें SDM गोहाना से मिल लिए, आज मजबूर होकर DC साहब से आए, DC साहब ही नहीं मिले यहाँ पे। तो इतनी परेशानी है वो ग्रामीणों को हो रही है? तीन गांव कम से कम भी 3,000 1200 एकड़ जमीन है, 1200 एकड़ जमीन है, बरानी हो जाएगी। जो 1200 एकड़ जमीन पड़ी है तीनों गांवों की, वो बरानी हो जाएगी। जिससे ये समाधान नहीं हुआ तो आज रोड रोक दिया जाएगा। अच्छा, आज ही से पानी आ रहा है नहर का, आज रात में पानी आ रहा है। तीन गाँव पानी बगैर कैसे काम चलेगा? कौन कौन से गाँव है सर? खेड़ी दमकन, सिकंदरपुर माजरा और बड़ोता। देखिए, सोनीपत के गोहाना ब्लॉक के 3 गांवों के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे और यहां पर लगातार प्रदर्शन है या फिर DC साहब से मुलाकात करने हैं वो पहुंचे। सर, क्या नाम है आपका? रामवीर जी, अभी फसल जो धान की रुपाई का समय है वो सिर पर है, इंद्र देवता भी खुश हैं, लेकिन पानी है वो क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? पानी नहीं पहुँच पा रहा। जो पुली बनाई है ना, जो हाईवे बना है, वह पुली भीड़ी भी बना दी और बिल्कुल नीची बना दी। उसमें जो जमींदार का 2458 माइनर नंबर है सिकंदरपुर माजरा, उसकी पानी की जो आपासी है उस पुल के नीचे का नहीं हो सकती। अब उसकी समस्या ले आए थे, वह हमारी पुली ऊंची होनी चाहिए है, ऊंची भी होनी चाहिए, चौड़ी भी होनी चाहिए है। जब हमारा पानी जागा तीनों गाँव में, अगर जब हमारा जीरी लगेगी, अगर जीरी नहीं लगेगी तो हमारी 1200 एकड़ों की नहीं पड़ी रहेगी। अधिकारियों से कोई मुलाकात की हो आपने गोहाना ब्लॉक में? अधिकारियों से DC साहब से मिलने आए थे, अभी मिले नहीं। तहसीलदार साहब मिले थे, उनते वह कॉपी दी है हमने। पहले गोहाने मिले हैं, एक्शन साहब से भी, नर महकमे के और SDM साहब से मिले। उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? उन्होंने एक्शन साहब ने तो नहीं कहा था, हमने 2-3 बजे लग के दे दिए, रोड वाले मान नहीं रहे। अच्छा। और SDM साहब ने कहा था भाई इतनी बड़ी पावर मेरे को तो सही नहीं, मैंने रोक दूं, बाकी तुम DC साहब से मिलो। ये कौन से रोड पे जो है पुल है वो बनाया जा रहा है? ये गवाना सोनीपत रोड है, खेड़ी दमकन गांव है, जो उससे 1 किलोमीटर आगे रजबा निकलता है, उस रजबा की जो पुली है। इस नेशनल हाईवे 44 जो नेशनल हाईवे बन रहा है उस पे कितने गांवों को और कितनी जमीन को इफेक्ट है वो पड़ रहा है उस पुल से? 1200 एकड़ जमीन को और 3 गाँव सिकंदरपुर माजरा, बड़ोता, खेड़ी दमकन, 3 गाँव का पानी लग गया है। देखिए, सिकंदरपुर माजरा, खेड़ी दमकन और बड़ोता गांव के जो ये ग्रामीण है, किसान है, वो अपनी समस्या को लेकर सोनीपत DC ललित शिवाज के दरबार में पहुंचे हैं और इनका कहना है कि गोहाना से सोनीपत जो 4-लेन हाईवे का निर्माण है वो किया जा रहा है, उसमें एक पुल है जो कि माइनर का पुल है और वहाँ पर एक जो पहले जो पुल था वो बड़ा पुल था जिससे पानी की निकासी है वो सुचारू रूप से हो जाती थी, लेकिन अब पुल है वो उसको भीड़ा कम कर दिया गया, उसकी चौड़ाई को कम कर दिया गया, जिसके ऊंचाई भी और चौड़ाई भी है वो कम कर दी गई है, जिससे गांव में जो माइनर का पानी है उसकी निकासी को प्रभावित है वो हो रही है, जिसके चलते 1200 एकड़ जमीन है वो प्रभावित होगी। और ये हम ये कहें कि जो ये जमीन है वो इसी माइनर पर है, वो निर्धारित है, उसी पर निर्भर है और इसी के चलते इन तीनों गांवों में धान की रोपाई है वो संभव हो पाती है और इस पुल के बनने से तीनों गांवों की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।